हे हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू सेशन में। एंड आज मेरे साथ है सीएमए कविता तिवारी। सीएमए कविता तिवारी, कविता ने 21 इयर्स की एज में अपना सीएमए क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया था। आफ्टर दैट 22 इयर्स की एज में इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊँ कविता के बारे में, तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल 21 इयर्स की एज में सीएमए क्वालिफाई किया, 22 में प्रैक्टिस स्टार्ट की। इसके अलावा इन्होंने सीएमए के अलावा एमबीए, एमकॉम, बीकॉम और डीएफ कोर्स, इसके अलावा डीसा कोर्स फ्रॉम सीएम इंस्टीट्यूट, तो काफी सारे क्वालिफिकेशन है एंड काफी यंग प्रैक्टिशनर है। अगर मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता बहुत कम ऐसी लड़की होगी जिन्होंने 22 इयर्स के एज में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की होगी। तो ये एक अनदर अचीवमेंट है और ये स्टोरी इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो कि आपको भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगे। सो हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। हाय कविता, कैसी हो आप? हेलो, मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ और थैंक यू कि आप मेरे इस इनविटेशन को आपने एक्सेप्ट किया एंड आप मेरे चैनल पे आए हो। थैंक यू तो आपको कि आपने मतलब मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं भी अपने बारे में सबको बताऊं। तो कविता, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हमेशा होता है कि आपने सीएमए कोर्स को क्यों चूज किया, क्यों आपको लगा कि सीएमए कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, सीएमए की बात करें तो थोड़ा सा बिगनिंग में जाना पड़ेगा। एक्चुअली होता है ना कि सारे बच्चे कहीं ना कहीं से सुन के आते हैं, कोई ना कोई बॉस राइट मुझे ये राइट करना है करना। तो सेम अगर मैं बात करूँ अपने 11th स्टैंडर्ड की, तो जैसे हर एक बच्चे का अपना एक टीचर होता है जिसको वो फॉलो करता है कि हाँ ये मेरे बेस्ट टीचर, ये मेरे फेवरेट टीचर। तो अगर मैं 10th स्टैंडर्ड की बात करूँ तो मेरे 10th स्टैंडर्ड में कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। मतलब मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी लेकिन उस हिसाब से मेरे मार्क्स नहीं आए। तो एक होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम गिर जाना, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो एकदम गिरा हुआ था कि हाँ एवरेज स्टूडेंट है, कुछ भी कर ही लेंगे। बट 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स लिया, देन एक टीचर हमारे थे पुष्पेन शर्मा सर, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने ना एकदम से, कहते हैं ना, एक एनर्जी का इंजेक्शन लगाना, उनके पढ़ाने का तरीका कुछ अलग। तो उन्होंने हमें काफी अच्छे से पढ़ाया, गाइड किया क्या करना है कैसे। तो उनकी गाइडेंस में मतलब हम 12th में टॉपर थे, इनफैक्ट ग्रेजुएशन में भी फिर मैंने टॉप किया। तो ये जो सीएमए करना है ये उन्हीं का सजेशन था। एक्चुअली वो ये कोर्स करना चाहते थे बट वो टीचिंग में इतना ज्यादा इन्वॉल्व थे कि वो इस कोर्स में टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि कविता एक कोर्स है सीएमए जैसा, पूरी बातें उन्होंने मुझे बताई क्या कैसे है। तो उन्होंने मतलब प्रॉपर मुझे गाइड किया कि आपको ये कोर्स करना है। तो फिर मैं गई, मैंने सीएमए का पता किया और फिर इधर उधर नहीं देखा, क्योंकि जो सर बोलते थे बस वही करना होता था। तो सर का ही आशीर्वाद था कि हाँ अच्छे से पूरा सीएमए हो भी गया। तो ये जैसा कि अगर सीएमए की बात करूं तो ये पूरा का पूरा सजेशन मेरे सर का ही था। तो आपने 12th कब क्वालिफाई किया था एंड आपने सीएमए कब स्टार्ट की थी? मैंने 12th क्वालिफाई किया था 2012 में और सीएमए मैंने ज्वाइन किया था 2015 में आफ्टर ग्रेजुएशन। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नहीं था, मतलब यही विचार आता था यार एवरेज स्टूडेंट है, कुछ नहीं होने वाला। बट जब मैंने देखा हाँ 3 साल से ग्रेजुएशन में अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मोटिवेशन आया कि हाँ चलो करते हैं, बस फिर वहां से तो स्टार्ट। जब आपने सीएमए स्टार्ट किया तो आप बोथ ग्रुप के लिए गए या फिर आपने सिंगल सिंगल ग्रुप किया? किस तरीके से आपकी इंटर की जर्नी थी? अगर मैं सीएमए कोर्स की बात करूं तो एक्चुअली जब मैंने एडमिशन लिया तो उस टाइम 2012 सिलेबस था। जो लोग 2012 सिलेबस जानते होंगे तो उन्हें पता होगा कि भाई 2012 सिलेबस लाइक स्टार्टिंग में कोई नहीं पास होता था। तो जब हमने एडमिशन लिया, मुझे अभी भी याद है, मैं एडमिशन लेने अपने मामा के साथ गई हुई थी, मैं और मेरे अदर मामा, हम गए एडमिशन लेने। तो वहां पे सबसे पहले हमने यही पूछा कि भाई रिजल्ट कितना है, कैसे क्या पास होते हैं। तो पता चला कि लास्ट 2 अटेम्प्ट से लखनऊ में 2012 सिलेबस में कोई पास ही नहीं हुआ है। तो इंडिया लेवल पे तो हम बहुत दूर गए, पहले हमने लखनऊ में देखा, अरे कोई पास ही नहीं हो रहा, ऐसा क्या है इस कोर्स में। तो उस टाइम पे ये तो पता चल गया था कि कुछ है और बहुत टफ है। तो वहां से मैंने ये तो डिसाइड किया कि भाई मैं बोथ ग्रुप तो नहीं दे पाऊंगी, सिंगल ग्रुप करके चलते हैं। और फिर हमने ग्रुप 1 का डिसाइड किया कि हम ग्रुप 1 करते हैं और सबसे पहले ग्रुप 1 का एग्जाम। तो मैंने तो अपनी इंटरमीडिएट की जो स्टडी स्टार्ट की वो सिंगल ग्रुप के साथ की।
अब जब सिंगल ग्रुप की बात करूं, सबसे पहले मैंने जो ग्रुप वन लिया, थोड़ा सा कह सकते हैं शायद मैंने ही क्लासेस लेट ज्वाइन की, क्योंकि हमेशा मतलब मैं अपने टीचर्स को ब्लेम नहीं करूंगी कि भाई मेरा कोर्स इनकम्प्लीट रहा या क्या रहा, शायद मैंने ही लेट ज्वाइन किया होगा। तो जो 2012 सिविल जानते वो जानते कि भाई उसमें जो कोर्स कंटेंट था बहुत ज्यादा था, तो कोर्स तो कंप्लीट हमारा हुआ नहीं। अब एग्जाम था मेरा जून 15 में, तो एग्जाम मैंने जैसे तैसे दिया। मैंने पहले ही अपनी फैमिली को रेडी कर दिया कि मैं पास नहीं होने वाली, बहुत टफ एग्जाम होता है, कोई नहीं पास होता एक बार में तो हम कैसे पास हो जाएंगे। तो देखिए, अगर मैं ये बात बोलूं कि मैं 16 to 18 hours पढ़ती थी, सुबह जाती थी रात में आती थी, तो कुछ नया नहीं है, क्योंकि सीएमए कोर्स तो ये मांगता ही मांगता है कि आप सीएमए कर रहे हो तो सोसाइटी से कटना पड़ता है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, और इतने घंटे आपको देने ही पड़ते हैं। तो भाई मेरे साथ ये रहता था ना कि मैंने एग्जाम दिया और फिर अपनी फैमिली को पहले से रेडी रखती थी, मम्मी कोर्स बहुत टफ है, एक बार में नहीं होता, 2012 सिलेबस से आप देखो कोई पास ही नहीं हो रहा है। तो पापा भी सोचते थे कि चलो ठीक है, कह रही है मान लेते हैं, बट उन्हें लगता था कि इतना पढ़ती है, ये नहीं पास हुई तो कौन पास होगा। तो वो उनका एक ही शब्द था कि कोई बात नहीं बेटा, तुम पढ़ रही हो, पढ़ो, एग्जाम दो, क्योंकि तुम नहीं पास हुई तो कौन पास होगा। जैसे तैसे मैंने करके ग्रुप वन के एग्जाम दिए, रिजल्ट नहीं आया था। अब मैं ग्रुप वन के एग्जाम से इतना ज्यादा कहते हैं ना डर गई थी कि कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ, मैं एग्जाम दे आई, तो मैंने ग्रुप टू के लिए एकदम टाइम वेस्ट नहीं किया। मुझे याद है कि हमारे जून के 15 तक हमारे एग्जाम कंप्लीट हुए, मैंने अपने 2-3 फ्रेंड से बात की और मैं तुरंत निकल गई कोलकाता कि नहीं हमें कोर्स कंप्लीट करना है, बेस्ट क्लासेस करनी है और हमें जाना चाहिए। अब देखिए मैंने कितनी बड़ी स्टुपिडिटी की, लखनऊ का बच्चा जाता है दिल्ली पढ़ने, अब हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, हमें कोलकाता क्या मतलब, मेरे दिमाग का ही ये था कि भाई हेड ऑफिस हमारा कोलकाता है तो बेस्ट कोलकाता होगा। तो मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने प्रॉपर साथ दिया मेरा, हम चले गए जून 20 के बाद कोलकाता। अब हम कोलकाता गए, अच्छा चल रहा था, ग्रुप टू में क्लासेस कर ली, पता कर लिया भाई, अच्छा चल रहा था। फिर आता है रिजल्ट वाला दिन ग्रुप वन का, पता तो पहले से था कि पास होने नहीं वाले, तो रिजल्ट मतलब पूरा फुल मूड में था कि नहीं देखना। फिर होता है ना कि जब लखनऊ में एक या दो बच्चा पास होता है तो ये सुनाई पड़ता है कि लखनऊ से एक बच्चा पास हुआ या लखनऊ से दो बच्चे पास हुए। तो 23rd अगस्त था 2015, घर से कॉल आ रहा था कि रिजल्ट आ रहा है, बताओ भाई क्या हुआ। तो आंसर ये रहता था कि पापा पता है कुछ नहीं होने वाला तो क्यों देखना। तो पापा का ये कहना था कि बेटा देखो तो हुआ क्या क्या नहीं। फिर उड़ते उड़ते खबर आई लखनऊ में एक बच्चा पास हुआ है, तब तो कॉन्फिडेंस लेवल और चला गया, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम गिरा हुआ था, कभी उठा ही नहीं। तो फिर हमने कहा भाई एक बच्चा पास हुआ तो हम तो दूर दूर तक नहीं होने वाले। तो हमने कहा पापा एक बच्चा पास हुआ है, कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन हम तो नहीं होंगे। तो पापा यहाँ कोई बात नहीं, एक बार देखो तो रिजल्ट क्या आया है क्या नहीं। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं अपना रिजल्ट देखूं, मैंने नहीं देखा। अब मैं जितनी जिद्दी, मेरे पापा उससे डबल जिद्दी। मेरे पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे लखनऊ में सीएमए के 2 सेंटर होते हैं, केकेसी है और एक हमारा गोमती नगर। तो मेरे पापा चले गए केकेसी, वहां पे जब बच्चा पास होता है ना तो उसकी पूरी नाम की लिस्ट निकलती है। तो पापा गए, पापा ने देखा वहां पे मेरा नाम था, उन्होंने तुरंत कॉल किया तुम पास हो गई हो। हाँ मेरे लिए वो था कि यार सच में मैं पास हो गई, मतलब मुझे तभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैं पापा से कह रही पापा फादर्स नेम देखो कृष्ण कुमार तिवारी लिखा है, तो कह रहे नहीं बेटा फादर्स नेम नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अच्छा 2 मिनट रुको मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बता रही। तो मेरे पापा कहा तुम पागल हुई हो, तुम पास हुई हो। अब जब पापा ने ये शब्द बोले कि मैं पास हो गई हूँ, तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, अपने दोस्तों को हिलाएं या पूरा सबको चीख चीख के बताएं कि भैया जो बच्चा पास हुआ वो मैं ही पास हूँ। फिर जब सबको पता चला, सबने मेरा रिजल्ट देखा, मेरे एग्जैक्ट 200 मार्क्स थे, बट ये था कि मैं पास हो गई। और सबसे बड़ी खुशी की ये बात थी कि भाई लखनऊ 2012 सिलेबस, जैसे कि पिछले 2-3 अटेम्प्ट में कोई पास नहीं हो रहा था, तो पासिंग परसेंटेज उस टाइम काफी कम था, तो उसमें मेरा पास होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और वो रिजल्ट मेरा इतना अच्छा रिजल्ट था कि मतलब कोई मेरा नाम या मतलब सॉरी कोई मेरा चेहरा नहीं जानता था लखनऊ में, लेकिन लखनऊ में जितने भी लोग सीएमए कोर्स करते थे उन सबके बीच एक नाम हाईलाइट हो गया कि हाँ कविता जैसी कोई लड़की है और वो पास हुई है। हालांकि मैं तो जून 15 में मेरा एग्जाम हुआ, अगस्त 15 में रिजल्ट आया, मैं लखनऊ में नहीं थी, मैं थी कोलकाता में। तो हमारे यहाँ नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस था,
तो मेरे पास कॉल आया प्रेस कॉन्फ्रेंस, बेटा आप आ जाओ। तो मैं बता नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब भाई पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किए गए थे तो उस चीज की तो थोड़ा सा कमी थी कि नहीं जा सकते। बट हाँ, दिसंबर 15 की तैयारी स्टार्ट हो गई थी और मुझे ये नहीं पता था अपने पीछे कि हाँ लखनऊ में मतलब एक बच्चे के पास होने से इतना बड़ा एक वो हो गया कि मतलब लोग एकदम कहते हैं ना, फेसबुक हमारे टाइम पे बहुत चलता था, लोग फेसबुक सर्च कर रहे थे कौन है कविता कौन है कविता, तो एक उस तरह का माहौल बन गया था। अब बात आई ग्रुप 2 की, तो हमने ग्रुप 2 की भी तैयारी की। जैसे भाई सबके मम्मी पापा एक जैसे प्रेशर देते कि बच्चा पढ़ो बच्चा पढ़ो। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे, उन्होंने आज तक मुझसे नहीं कहा कि बेटा पढ़ो एग्जाम है, लेकिन उनकी कमी ना मेरी दीदी ने हमेशा पूरी की है। लाइक मैं अगर थोड़ी देख ले भी फेसबुक पे ऑनलाइन हो जाओ तो मेरी बहन को तुरंत कॉल आ जाता था कि मैम तुम पढ़ने ही गई हो, पढ़ लो एग्जाम आ रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब ऊपर से अब तो एक टैग और लग गया था, कोलकाता आए पढ़ने, मतलब पास तो होना ही होना है, अगर नहीं पास होते घर पे बहुत डांट पड़ने वाली थी। तैयारी वैसे हमने बहुत अच्छी की थी कि हाँ पास होना है, लेकिन फिर ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो मुझे याद है मेरे मास्टर्स उस टाइम चल रहे थे, मास्टर का सेकेंड सेमेस्टर था। तो पता चलता है कि मेरा ग्रुप 2 और मास्टर का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम साथ में क्लैश हो जाता है, मतलब एक दिन में 2 एग्जाम, और हमारे टाइम पे गैप नहीं होता था, कंटिन्यूअसली एग्जाम चलता था, कल भी एग्जाम देन परसों फिर हमारे 2 एग्जाम। अब जो मेरे बाकी के मास्टर्स के फ्रेंड्स थे उन्होंने तो भाई सरेंडर कर दिया कि यार हम CMA नहीं देने वाले क्योंकि भाई M.Com में बैक लगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो हम तो CMA नहीं देने वाले, तो हम तो M.Com ही देने वाले हैं। तो भाई उनका ये कहना हुआ तो हमने कहा यार अब ये नहीं दे रहे तो हम कैसे दें। बट मैं ना हमेशा कह सकते कंजूस टाइप की थी कि यार एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है तो एग्जाम तो देंगे ही देंगे, फिर चाहे वो कुछ भी हो देखते हैं। तो रिजल्ट मैंने ये निकाला कि भाई CMA में अगर फेल हो गया तो कोई बात नहीं, CMA 2 घंटे देते हैं, बाकी 3 घंटे हमारे मास्टर्स पे फोकस करते हैं। तो CMA के एग्जाम का सेंटर KKC ही पड़ता था, मास्टर्स LU में था, तो जो उनका डिफरेंस है डिस्टेंस वो 30 मिनट्स तो लगता लगता था। तो भाई अब उस 30 मिनट्स में मुझे ये पूरा ये करना होता था कि भाई जल्दी जल्दी भागना है। तो CMA जैसे तैसे 2 घंटे में, मुझे भी नहीं याद है मैं उस टाइम क्या लिखती थी क्या नहीं लिखती थी, बट मैं भागती थी मास्टर्स के एग्जाम के लिए, और 3 घंटे वहां का एग्जाम अटेम्प्ट करना। तो मुझे याद है लाइक 5 घंटे लिखते लिखते मतलब हाथ की तो बैंड बज जाती थी, और ठंड होती थी दिसंबर में, 6 बजे अंधेरा आ जाता था, घर पहुंचते थे 7 बजे। अब फिर इतना कंफ्यूजन कि अगले दिन मैं CMA पढ़ू या M.Com पढ़ू, तो मैं कुछ नहीं पढ़ती थी, मैं सो जाती थी कि एटलीस्ट मैं सो जाऊं ताकि मैं दोनों एग्जाम प्रॉपर 3 घंटे 2 घंटे बैठ के लिखूं। फिर दिसंबर का जब हमने एग्जाम दिया फिर वही टेंशन पास होंगे कि नहीं होंगे, अब तो कोलकाता का टाइम भी लग गया था। फिर लेकिन मैं अपने फैमिली को ना पहले से पूरा कहते हो ना एकदम पटा के रखना कि मम्मी हम नहीं पास होने वाले हैं, अब देखो M.Com का पेपर साथ में था, हम कितना कर लेते, 2 घंटे में जो लिख कर आए लिख के आए। फिर फाइनली रिजल्ट जब आता है और ग्रुप 2 भी हम पास हो जाते हैं। अब जब हम ग्रुप 2 पास हुए तो एग्जैक्ट 200 मार्क्स आया, मतलब मेरे लिए वो भी बहुत शॉकिंग था कि यार मैं 2 घंटे एग्जाम दिए, तो मतलब मेरा पास होना बहुत बड़ी बात होती थी। फिर मेरा ऐसे इंटरमीडिएट निकला, लेकिन उसके साथ मेरा ये दिक्कत हो गया कि भाई हम ग्रेजुएशन में टॉपर थे, मास्टर्स में भी टॉपर ही थे, लेकिन मेरे मास्टर का जो रिजल्ट था वो थोड़ा सा खराब हो गया, उसमें मेरा 59% आया सेकेंड डिवीजन। अब जब आप कंटिन्यूअसली टॉप करते जाओ फिर एक सेमेस्टर में सेकेंड डिवीजन आ जाती है तो थोड़ा सा बुरा लगता है। हालांकि मेरे CMA क्लियर था, खुशी बहुत थी, लेकिन एक दुख ये भी था यार मास्टर्स में मैं कैसे सेकंड डिवीजन ले आई सेकंड सेमेस्टर में। तो फिर अब ये था कि भाई जो थर्ड सेमेस्टर होगा उसमें बहुत मेहनत करनी है कि भाई मेरा जो सेकंड सेमेस्टर में कम हुआ है उसमें मुझे लाना है। अब इंटरमीडिएट क्लियर करते करते एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा आईसाइट का प्रॉब्लम था, तो एक बार होता है भाई बहुत दिन से चश्मा नहीं टेस्ट करा, आई टेस्ट करा लेते हैं जाके, मेरा नंबर ऑलरेडी -6 था। अब जब मैं आई टेस्ट के लिए गई, एक्चुअली नंबर बचपन से ही बढ़ रहा था तो डॉक्टर ने सजेस्ट कर रखा था कि 18+ के बाद आप ऑपरेट करा लीजिएगा। तो उसमें भी ना एक लिमिट होती है कि आपका अगर -8 तक का नंबर है तभी लेसिक होता है, अदरवाइज आपकी ICL सर्जरी होती है, और ICL सर्जरी थोड़ा सा ज्यादा मतलब कह
कहते हैं ना कि ना ही वो अच्छी बात है क्योंकि आंख में लेंस पड़ जाता है, कौन चाहेगा कि भाई इस उम्र में आंख में लेंस पड़े। तो जब इंटरमीडिएट के बाद हम ऐसे नॉर्मली आई टेस्ट के लिए गए तो हमें पता चला कि मेरी आंख का नंबर -6 इंस्टेंटली -9 हो गया है। तो डॉक्टर्स का कहना था कि भाई लेसिक कराना है तो आप अभी करा लो, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और चश्मा लाइक था कि मुझे हटानी हटाना, एक्चुअली -3 भी नंबर होता है तो चल जाता है। नंबर हमारा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, -8 -9 हो गया। तो थोड़ी सी एक गलती हमने वहां पे कर दी, ये गलती हमने ये कर दी ना, हमने इंटर क्लियर किया था जिस उम्र में, मतलब फाइनल्स की बोर्ड ग्रुप की मैं तैयारी कर सकती थी, वहां पे एक गलती कर दी कि मैंने 31 मई 2016 को अपनी आई सर्जरी करा ली। और गलती में भी एक महा गलती है कि एक आंख की सर्जरी कराई क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा था तो दोनों की उन्होंने सर्जरी अलाउड नहीं की। तो उन्होंने कहा 31 मई को एक सर्जरी करते हैं, उसके बाद एक महीने बाद 15 जुलाई को हम आपकी दूसरी सर्जरी करेंगे। तो हमने जब अपनी एक आंख की सर्जरी कराई तो उसमें बोला गया था इसलिए कि 10 से 15 डेज टाइम लगेगा, उसके बाद आप रिकवर हो जाओगे। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है, 10 से 15 दिन में रिकवर हो जाएंगे। फिर दिक्कत यहाँ पे ये आई ना कि मैं 10 से 15 दिन में रिकवर तो हो गई, 31 मई सर्जरी हुई, 1 जून से हमने अपना फाइनल का बैच स्टार्ट कर दिया। अब वहां पे दिक्कत ये आई कि हमें भाई इंटर्नशिप भी करनी थी। अब जब इंटर्नशिप करनी थी तो उसमें तो पूरा काम कंप्यूटर पे करना था, और जब ये आई सर्जरी होती है तो उसमें आपको 6 महीने तक काफी सारे आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं कि आपको ये सारे आई ड्रॉप्स अपनी आंख में 30-30 मिनट्स के गैप पे डालने हैं। तो 1 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हुआ। हमने कहा भाई दो ग्रुप तो अब निकलने नहीं वाला, एक पर ही फोकस करते हैं, इतना बड़ा कांड करके बैठे हैं। तो हमने ग्रुप 4 से स्टार्ट की क्योंकि 2012 सिलेबस में एक ये मैथ था कि भाई ग्रुप 4 कंपेयर टू ग्रुप 3 इजी है, इजी था अभी। तो हमने ग्रुप 4 से स्टार्ट किया और वो ग्रुप 4 की पढ़ाई लाइक मेरी ऐसी पढ़ाई थी, मैं पढ़ती थी मेरी आंख जवाब दे जाती थी, मतलब इतना पानी आंख से। मैं फर्स्ट सीट स्टूडेंट थी तो मुझे अभी भी याद है, मैं अपनी अखबार की क्लासेस करती थी सौरभ चाचा से, तो वो जब भी मुझे देखते थे तो ये कहते कविता ऑल ओके ठीक हो, रो क्यों रही हो? तो मैं उनको साइड पे जाके बोलती सर मैं रो नहीं रही हूँ, आप प्लीज मेरा फेस मेरी आंख को इग्नोर करिए, आप पढ़ाइए, मैं एकदम सही हूँ, बस मेरी आंख साथ नहीं दे रही है। तो उस टाइम पे इतना जैसे फाइनल्स में सारे बच्चों के साथ होता है एकदम हाफ्टिक शेड्यूल, मेरा भी वही था भाई, सुबह 6 बजे कोचिंग के लिए जा रहे हैं, 6 से 10 कोचिंग में है, 10 से मेरा ऑफिस था शाम को 7 बजे तक, और उसके बाद सेल्फ स्टडी भी करनी, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। तो भाई सेल्फ स्टडी भी करनी थी। अब मेरे साथ ये भी था ना भाई कि अगर मैंने ग्रुप नहीं क्लियर किया तो और ज्यादा टेंशन हो जाएगी क्योंकि इंटरमीडिएट के जिस हिसाब से मेरे सिंगल सिंगल ग्रुप एक बार में निकल गए, फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट का एक टैग भी लग चुका था तो थोड़ा बहुत उसका भी प्रेशर था। तो मुझे इतना अच्छे से याद है कि मुझे स्क्रीन एक टाइम पे एकदम अवॉइड करा दी गई थी डॉक्टर्स, क्योंकि मेरी आंख से एकदम पानी रुक नहीं रहा था। तो डॉक्टर ने बोला भाई आंख बचानी है तो एटलीस्ट पढ़ना है तो आप पढ़ो लेकिन स्क्रीन एकदम मत देखो। और मेरा जो पढ़ने का एक कहते हैं ना मूल मंत्र, वो ये होता था कि आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पढ़ो, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पढ़ो, पीटीपी एमटीपी आरटीपी, मैं कुछ भी नहीं छोड़ती थी, मैं A to Z सब पढ़ के जाती थी। लोग लास्ट 5 ईयर्स पढ़ते थे, मुझे याद है मैं लास्ट 10 ईयर्स, इनफैक्ट अगर उससे भी पहले का मिल जाता था तो मैं सब पढ़ लेती थी। तो मुझे याद है कि अब जब उसने मेरा स्क्रीन टाइम ही बंद करा दिया तो मैं पीटीपी आरटीपी कैसे पढ़ूं। तो मुझे याद है कि मैंने सब डाउनलोड किया, मैंने इतने प्रिंट आउट निकाले एग्जाम के 1 महीने पहले, दुकान वाला भी परेशान हो गया, उसने बोला बेटा तू पढ़ लोगी, एक्चुअली जानने में थे कि अगले महीने एग्जाम है, इतने दिन में इतना पूरा खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ जैसे भी हो खत्म तो करना ही करना है। फिर फाइनली हमने ग्रुप 4 के ऐसे एग्जाम दिया, क्लास जैसे 2 अटेम्प्ट्स में मम्मी पापा को समझा रखा था पापा पास नहीं होना है, बस मैंने दिया है देखने के लिए कि हाँ कैसा जाता है रिजल्ट, क्या मतलब कैसा एग्जाम है, क्या पैटर्न है। तो मुझसे ज्यादा मेरे घर वालों को भरोसा है ये इसका हर बार गया है, इसको पास तो होना ही होना है। और फाइनली इसका रिजल्ट आता है, इस बार फाइनली मैं डेडलाइन के ऊपर थी, हर बार मेरा जो 200 200 आ रहा था, इस बार फाइनली मेरा 219 मार्क्स आया था। लेकिन लिटरली इस बार मैंने नहीं सोचा था कि मैं पास होंगी क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं दे पाई थी, क्योंकि जैसे मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 में चलो आंख सही थी, चश्मा लगा था, अच्छी बात थी, मैं पढ़ ले रही थी, इस बार मतलब
आंख साथ ही नहीं दे रही थी, आंख बैलेंस ही नहीं कर पा रही थी। अब एक आंख में एकदम पावर नहीं है, दूसरी आंख में -8 -9 पावर है। तो आप मतलब इमेजिन कर सकते हो, एक आंख से एकदम नहीं दिख रहा और एक आंख से प्रॉपर दिख रहा है। तो आंख मेरी बैलेंस ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन बट तो वो कैसे निकला मुझे भी आइडिया नहीं है। फिर आती है बात ग्रुप 3 की। तो ग्रुप 3 लाइक मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर हो गया था, क्योंकि मैं जहां भी जाती, मैं जिस क्लास में जा रही हूँ, मैं जिस अपने इंस्टीट्यूट में जा रही हूँ, मुझे कोई भी मिलता पहले आपका तो डिक्लेयर है इस बार तो आपको CMA बनना ही बनना है। लखनऊ से कोई आए ना आए, CMA कविता तिवारी को तो आना ही आना है। तो वो तो एक मेंटली प्रेशर हो गया था कि पूरी पूरी लखनऊ को पता है कि मैं पास होने वाली हूँ, और मुझे भी पता है कि मैं पास होंगी भी कि नहीं। तो मैं घर के एक कोने में बैठ के, हे भगवान पास करा देना वरना बड़ी बेइज्जती होने वाली है इस बार। फिर जैसे तैसे करके मैंने ग्रुप 3 का भी एग्जाम दिया और फाइनली उसमें भी मैं पास थी। और मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब उसमें मैं क्या उम्मीद करूं कि मैं पास होगी। और CMA बनना तो भाई सबका एक ड्रीम होता है, और मेरा भी ड्रीम इनफैक्ट एक-एक बार में निकल गया, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी। मतलब काफी ज्यादा चैलेंजेस आपने फेस किया। एक्चुअली मैं एक छोटी सी स्टोरी बस बताऊंगा कि जब मैं फाइनल में था और मैं यहाँ पे दिल्ली से मैं क्लासेस कर रहा था, मैं क्लासेस में एक दिन मैं सबसे पीछे बैठा और सर ना प्रोजेक्टर पे पढ़ाते थे और मुझे ना थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा था। मैं इतना टेंशन में आ गया था कि यार अब तो मेरी आंखें खराब हो गई, ठीक है, और आपकी पूरी आंखें खराब हो गई फिर भी आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, पढ़ाई किया, पेपर दिया, पास आउट हुए। तो मतलब एक मतलब इसके लिए काफी पेशेंस चाहिए, खुद को बहुत समझाना पड़ता है कि क्योंकि आंख बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, ठीक है, तो हाँ मतलब बिल्कुल, मैं तो भाई इस वीडियो से लोगों को जरूर मैसेज करना चाहूंगी कि मैंने अपने बहुत हेल्थ को इग्नोर किया। अब मैं आपको बताऊं कि जो मेरा नंबर -9 से 10 हुआ, वो जब मैं CMA बन गई उसके बाद मैं आई टेस्ट के लिए गई तो मेरा नंबर -14 हो गया। आप यकीन करें टेस्टिंग चलेगी क्या, मुझे मोतिया वॉइस कम आ बनना रही है। है। तो 21 की एज में आप सोचे, मैं CMA बनने के बाद जाती हूँ, मेरा -14 नंबर हो जाता है। तो मतलब मुझे डॉक्टर ने वो भयंकर की डांट लगाई थी कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ अपनी आंख के साथ। तो वो मुझे मतलब इस वीडियो के थ्रू मैं लोगों को बोलना चाहूंगी, हम अपनी हेल्थ को बहुत अवॉइड करते हैं। लाइक जैसे मैंने अपनी दांत मतलब आंख को अवॉइड किया तो मेरा ये हाल हुआ। इनफैक्ट इसी तरह मेरे दांतों का दर्द भी मैंने बहुत अवॉइड किया, तो उसका नतीजा आज ये है कि मुझे अपने दो दो दांतों में इम्प्लांट कराना पड़ रहा है। तो यार अगर आपको ऐसे कुछ इश्यूज आते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक वीक आपका डिस्टर्ब होता है, बट अगर हेल्थ है तो आप हो। इनफैक्ट CMA बनने के बाद आप इतना अर्न करना चाह रहे हो किसके लिए, अपने अपने लिए करोगे यार, अपने शरीर के लिए। तो अगर शरीर ही नहीं है तो फिर क्या है। तो ये चीजें आप समझ में आती हैं तो मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, तो लोगों को लगता है नहीं आपने तो कर लिया इसलिए अब आप दूसरे को बोल रहे हो। लेकिन नहीं, जब मेरी एज आओगे तब पता चलेगा नहीं कि भाई हेल्थ इज वेल्थ। तो आप सबसे पहले हेल्थ को ध्यान दो, ठीक है, एक अटेम्प्ट बात बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज CMA है, एक अटेम्प्ट में माइक होगी। माइक माइक थोड़ा सा आप अपने पास कर लो। अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ। हाँ आप अभी ठीक है। देखिए, आ रही है हाँ वॉइस? अभी ठीक आ रही है। तो उसके बाद जब आपने 21 ईयर्स की एज में आपने CMA क्वालिफाई कर लिया, उस समय आप काफी सबसे यंग CMA रही होंगी। मैंने आपका देखा भी है, फेसबुक पे काफी सारे न्यूज़पेपर के पोस्टर्स लगे हुए हैं लखनऊ के। मतलब फिर आपने कैंपस में आप क्यों नहीं गई? देखिए CMA जब मैं बनी, सबसे पहले तो एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूंगी कि मेरे चारों ग्रुप के रिजल्ट मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने खुद कभी देखे ही नहीं। मतलब मुझे हमेशा लोगों के कॉल आते थे कि यार आप पास हो गए हो, तो मतलब मेरे लिए एक बड़ा वो। अभी मैं देखती हूँ ना, लोग अपने रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं कि स्क्रीन खुली है अपना रिजल्ट, ऐसा सब में कभी प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि हमें ना हमेशा कॉल आता था रिजल्ट आ गया और तुम पास हो गई हो। तो उसके बाद हम एकदम फुल कॉन्फिडेंस में आके रिजल्ट देखते थे। तो हमारा 23 अगस्त 2017 को रिजल्ट आया जिसमें हम CMA बने थे। तो हमने 5 दिन तक तो भाई बहुत खुशी मनाई, एकदम लाइट फील किया, भाई हम CMA बन गए हैं। लग रहा था दुनिया को चीख चीख के बताया हम CMA कविता तिवारी हो गए हैं। तो ओरिएंटेशन में जाने का प्लान मेरा बना, लेकिन एक थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई घर पे कि मेरे पापा को 28 अगस्त को रात में पैरालिसिस अटैक आ गया। अब उसमें पापा का लेफ्ट साइड पूरा हाथ पैर मूव करना
कर ही नहीं रहा था एकदम, तो उस वजह से मेरा प्लेसमेंट ओरिएंटेशन मिस हो गया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे सारे फ्रेंड्स या जो भी सीएमए बने थे सब कैंपस के लिए दिल्ली मूव कर रहे थे, तो वो 1 से 1.5 महीने थोड़े से मेरे डिस्टर्ब हुए, जिसमें हम हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे। तो अच्छी बात है, भगवान, मैं हमेशा ये सोचती हूँ ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो उस टाइम मेरा प्लेसमेंट मिस हुआ तो बहुत अच्छी बात है कि आज जो मैं कर रही हूँ वो करने लायक बनी, तो इस वजह से मैं प्लेसमेंट या ओरिएंटेशन जैसी जगह पर तो नहीं जा पाई, लेकिन ठीक है नहीं जा पाए, अच्छी बात है कि मिस हुआ, बट दूसरे बहुत से ऑप्शन हमारे पास थे। फिर आपके पास जो है, जैसे कि आप प्लेसमेंट आपने मिस कर दिया, फिर आप पापा के लिए आप टाइम देने लग गए, फिर आपने बाद में प्रैक्टिस करने का ही क्यों सोचा? इसकी भी इतना बहुत फनी स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। मैं बताती हूँ कि भाई हम प्लेसमेंट में तो नहीं गए, ओरिएंटेशन में नहीं गए, और पापा को जैसे कि पैरालिसिस अटैक है, आप मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, 1.5 मंथ में पापा की फुल बॉडी रिकवर हो गई, तो उसके बाद हम बैक टू वर्क आए, मैं जहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर रही थी सौरभ सेठी एंड कंपनी, तो वहां पे हम और हमारी फ्रेंड थी ज्योति, तो उन्होंने साथ में क्वालिफाई किया था। तो अब प्लेसमेंट में सोच चुकी थी, तो अब हम ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे थे, तो अगर मैं बोलूं कि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं किया तो भाई ये झूठ है, हमने ट्राई किया, हमें अच्छे से याद है, हमने 3-4 जगह के फॉर्म भरे, और उस टाइम हम ये नहीं देखते थे कि क्या सिलेबस है क्या कंटेंट, लाइक दोनों दोस्ती यारी में चलो फॉर्म भरते हैं एग्जाम देकर आते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म्स भर रहे थे, तैयारी भी स्टार्ट कर रखी थी, तो उसी टाइम पे हमारी एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उनसे मुलाकात हुई, नई नई दोस्ती हुई थी, तो उन्होंने हमें अपनी बालम सिंह क्लासेस के लिए कॉस्टिंग पढ़ाने के लिए ऑफर किया था, तो हमने कॉस्टिंग ज्वाइन की, उनके यहाँ पढ़ाया, तो उनसे हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हुई। तो होता है ना, जब आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है तो लोग आपको बहुत अच्छे से जान जाते हैं कि भाई आपका क्या नेचर है क्या एटीट्यूड है, तो उन्होंने मुझे 3 बातें बताई कि यार जिस हिसाब से आपका नेचर है आप एटीट्यूड है, सबसे पहले मैं बहुत रिजर्व नेचर की हूँ, मैं बहुत जल्दी बात नहीं करती हूँ अपनी तरफ से, और दूसरा मैं बहुत बॉसी नेचर हूँ, बहुत डोमिनेटिंग नेचर की हूँ, शायद इसी वजह से मैं प्रैक्टिस में सक्सेस भी हूँ। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि आपका जिस हिसाब से नेचर है उस हिसाब से आप काम क्यों नहीं करते यार, अगर सीएमए किया है तो भाई अपना खुद का बॉस बनो यार, आप जॉब के लिए क्यों जा रहे हो, और खुद अपनी प्रैक्टिस करो, अपना फर्म खोलो, लोगों को खुद एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, मतलब उन्होंने मुझे खूब मोटिवेट किया, हालांकि मेरा जो प्रैक्टिस का आइडिया एकदम नहीं था, ये था कि मैं जॉब करूंगी, 3 साल पैसे अर्न करूंगी, उसके बाद अपना सेटअप करूंगी, बट उन्होंने मुझसे कहा नहीं आपके अंदर है गट्स भाई, आपका जो एटीट्यूड लेवल है जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उसी चीज का है, तो उनकी बातों से मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हुई कि बस फिर स्टार्ट कर दिया भाई, हमने कहा चलो अपनी प्रैक्टिस देखते हैं, तो वो डिसीजन ना मेरी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन था 2019 में जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी जॉब तो किया नहीं था, तो मुझे याद है मेरे अकाउंट में कुछ 1000 रुपीज थे, उसे 2 साल बाद 2020 एंड की बात करूं तो अकाउंट की हालत कुछ अलग ही थी, और अपने पापा के 52 बर्थडे पे मैंने उनको कार गिफ्ट किया, बलेनो कार, तो वो एक अनदर अचीवमेंट थी मेरे लिए। देखा, मैंने फोटो देखा है आपका। जी तो फिर मतलब आप खुद देख सकते हो 2 साल में इतना अंतर है, तो 5 साल में क्या ही अंतर होगा वो चीज। इनडेफिनेटली। सो कविता, आपने स्टार्टिंग फेज में कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे, बिकॉज आप बिल्कुल फ्रेशर थे, आप बिल्कुल यंग एज में थे जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो आपने लोगों को, अपने क्लाइंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में किस तरीके से दिया? आपने क्या चीजें की जिससे क्लाइंट आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है आपको अपने काम देने के लिए? हाँ बिल्कुल, बात सही आप कह रहे हैं कि जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की हमने 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया प्रैक्टिस का एकदम से मूड नहीं था भाई, एकदम से मोटिवेट हुए बस स्टार्ट किया, तो कोई प्रैक्टिस का बैकग्राउंड नहीं था। अगर मैं आपको अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताऊं तो मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब में है और रेलवे में है पापा, और पापा के पापा भी रेलवे में है, और अगर मैं अपने कजन्स का बैकग्राउंड बताऊं तो वो भी IITian है, तो कुछ BTech है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, सिस्टर्स के बैकग्राउंड बताऊं तो वो BTC BEd करके गवर्नमेंट टीचर्स, तो हम मतलब दूर दूर तक कोई जॉब वाला, मतलब सब जॉब वाले थे, कोई बिजनेस या सर्विस सेक्टर का नहीं था, तो सबसे
बड़ी दिक्कत ये थी कि मैं पापा से कैसे बताऊं कि भाई मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि अगर आपकी फैमिली में सब जॉब वाले होते ना, तो प्रायोरिटी यही रहती कि नहीं जाओ जॉब, और वो भी गवर्नमेंट जॉब, ये भी नहीं कि प्राइवेट जॉब। तो भाई पापा के पास गए मेरे, मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे मम्मी पापा दीदी इतने अच्छे हैं कि मतलब मुझे इतना सपोर्ट। मैंने उनसे बहुत डरते डरते बोला पापा प्रैक्टिस करनी है, तो पापा ने कहा ठीक है अच्छी बात है कुछ अलग कर रहे हो। उनका एक बचपन से कहते हैं ना कि पापा हमेशा बचपन से कुछ गाइड करते हैं, तो पापा हमेशा हमसे ये बोलते थे कि अगर रोड सीधी सीधी साफ साफ हो तो उसमें चलने में क्या मजा, जब तक गड्ढे ना पड़े तब तक आपके खूबियां कैसे पता चलेंगी। तो उनका उस दिन भी सेम यही मतलब था कि हाँ अच्छी बात है कुछ नया करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे याद है मेरा कोई क्लाइंट नहीं था, एक एक क्लाइंट के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। जैसे मतलब मैंने किसी क्लाइंट को बताया कि भाई मैं ये काम करती हूँ आप आ जाइए एक बार मिल लीजिए, तो उनका कहना था आपको ऑफिस बहुत दूर है हम इतनी दूर नहीं आ पाएंगे। तो मतलब एक उस तरह का डेडिकेशन या मतलब कह सकते हैं उस तरह का जुनून था कि अच्छा आपको दूर लग रहा है कोई बात नहीं हम आ जाते, क्योंकि काम था नहीं तो उसके लिए हम कहीं भी जाने के लिए तैयार थे। तो हमने इस लेवल पे जाके मतलब लोगों को कन्विंस किया अपने कार्ड दे दे के कि हम ये काम करते हैं। मुझे याद है अभी भी जो मेरा पहला क्लाइंट था वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले थे, पापा ने ही दिए थे। पापा मोस्टली क्लाइंट ऐसे, प्लीज अगर कोई वीडियो देख रहा है तो बुरा मत मानिएगा, पापा मोस्टली ऐसे ही क्लाइंट देते जो फ्री वाले होते थे। तो पापा से बोलते थे अरे मेरी अर्निंग की है जी, आप क्या मतलब ऐसे फ्री में काम करा रहे हो। बट जो लोग प्रैक्टिस में आना चाहते हैं मैं उनको ये मैसेज जरूर दूंगी कि ठीक है यार इनिशियल स्टेज में करो, क्योंकि उन लोगों का भी मैंने फ्री में काम किया, बट उससे फायदा क्या हुआ ना कि उन्होंने मुझे दो क्लाइंट रेफर किए, और वो जो दो क्लाइंट उन्होंने रेफर किए वो मेरे पेड होते थे। तो जैसे हमने सलमान खान की मूवी थी कि भाई थैंक यू मत बोलो आगे 5 लोगों की हेल्प करो, तो यहाँ पे ना यही कॉन्सेप्ट था कि हमने पहले का तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया, बट उस पहले इंसान ने हमें आगे के दो, कम से कम 2 से 3 क्लाइंट तो वो बंदा देता ही देता था, और वो मेरे पेड होते थे। तो हमने जो इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग की अपने रिलेटिव्स को देखा दूर दूर तक जो जॉब में है तो उनसे आईटीआर का काम लिया, जो बिजनेस में है उनको जीएसटी का काम किया। हमारे साथ थोड़ा सा फायदा ये हुआ कि हम 2017 में पास हुए थे और उस टाइम पर जीएसटी आया हुआ था, तो उस वजह से हमें काफी क्लाइंट कवर करने में बहुत आसानी हो गई थी। सो आप स्टूडेंट्स को कुछ सजेशंस देना चाहोगे? अगर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस में आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मेरा एक उनको सजेशन यही होगा कि बेटा जब आप इंटरमीडिएट क्लियर कर लेते हो तो उस टाइम पर तो आपको एकदम डिसाइड कर लेना चाहिए कि भाई प्रैक्टिस करनी है या जॉब करनी है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमें हमारी ट्रेनिंग उसी अकॉर्डिंगली ही करनी चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस में आना है तो आपको एक प्रैक्टिसिंग फर्म में ही ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो जो आपकी 3 साल की ट्रेनिंग है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। भाई अगर आपने उस 3 साल की ट्रेनिंग में सब कुछ अच्छे से सीख लिया है तो यकीन मानिए आप जब सीएमए बनते हो ना तो आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा आपकी डिग्री आती है और आपको ऑफिस खोलने की जरूरत है। और वो 3 साल की ट्रेनिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप इंटरमीडिएट के बाद डिसाइड कर लो कि भाई प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब 3 साल में आप काम सीखते हो ना तो वो 3 साल में ही आप अपने क्लाइंट बनाना भी शुरू कर दो। क्योंकि जैसे हमने बताया ना हमने 2019 में जब अपना काम स्टार्ट किया तो हमारे पास एक क्लाइंट नहीं था और हम सीएमए क्वालिफाई हो चुके थे, तो आप 3 साल की प्रैक्टिस में ही जब अपने मतलब 3 साल की ट्रेनिंग में ही अगर आप अपने अपने क्लाइंट्स बनाना स्टार्ट कर दिए तो आप खुद इमेजिन करो जब आप सीएमए बन जाओगे और आप अपनी प्रैक्टिस फर्म ओपन करोगे तो आपको एटलीस्ट जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास कुछ नहीं तो आईटीआर और जीएसटी के तो बहुत ही क्लाइंट होंगे। और ऐसा नहीं है कि जब आप मार्केट में आपको लोग जानते हैं कि आप ये काम करते हो तो सिर्फ आईटीआर जीएसटी नहीं मिलता है, आपको प्राइवेट लिमिटेड का भी अच्छा काम मिलता है, क्योंकि ऑडिट्स वगैरह तो ऐसी चीजें हैं ना जिसके लिए आपके पास आपकी सीओपी होनी चाहिए तभी मिलेगा, लेकिन ये जो कंपनीज का काम है आईटीआर का जीएसटी का ये आप अपने इंटर्नशिप के टाइम पर ही अच्छे से खूब सारा काम कलेक्ट कर सकते हो। तो थैंक्स कविता, आपने काफी कुछ शेयर किया एंड होप सो कि स्टूडेंट्स को ये वीडियो काफी अच्छी लग रही हो।
एंड हम आगे भी मिलते रहेंगे किसी और सेशन में, किसी और टॉपिक पे। जी बिल्कुल अब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक आपको, कि आप फ्यूचर में और भी अचीवमेंट करते रहो और हम आपको फिर से अपने चैनल पे लेके आते रहे। ओके, मोस्ट वेलकम, बाय बाय बाय। बाय।